अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे पे एक कार में कुछ सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, तो अभी इसकी तहकीकात हो रही है, देख रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी में जो है कोई ड्राइवर वगैरह वो जो फरार हो चुका है, कोई भाग गया हुआ है, साथ में कुछ कानवाई भी चल रही थी यहाँ सीआरपी की। तो इस एरिया में अभी कॉर्डन है, अभी पूरे एरिया में कॉर्डन किया हुआ है, तो नेशनल हाईवे फिलहाल बंद रखा गया है। तमाम पैसेंजरों से गुजारिश है, ड्राइवरों से, कि वो अपनी गाड़ियों को साइड में रखें, सिंगल लाइन में रखें। सिंगल लाइन करने से एक चीज होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसमें एम्बुलेंस वगैरह भी पहुंच सकते हैं यहाँ। प्लीज सिंगल लाइन में गाड़ियों को रखिए, जहां पर भी जो भी ये मेरा लाइव देख रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को सिंगल लाइन में रखेंगे। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू बी इन ए सिंगल लाइन जब तक यहाँ पे कोई ये क्लियरेंस हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना ये मटेरियल इस गाड़ी से कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें जो है सीटों का क्या हाल हुआ है और कैसे ये क्या हो गया है। तो लोगों से गुजारिश है कि वो हट जाए यहाँ से, वो पीछे निकल जाएं, जिससे सभी लोग थोड़ा पीछे पीछे हट जाएं प्लीज, जब तक ये कानवाई रिस्टोर हो जाएगी। हाँ, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बंदे भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी वाले यहाँ पर सारे मौजूद हैं, वो इन्होंने इसको कार्डन किया पूरे एरिया को। तो सभी लोगों से गुजारिश है, खासकर ड्राइवरों से, वो सिंगल लाइन में रहें ताकि कानवाई जो है वो किसी मुखालिफ सिमत में गाड़ी आने से या एम्बुलेंस वगैरह अगर चलनी होगी, बाकी गाड़ियां चलनी होगी, तो उनके लिए जगह रखिए।